दोस्तों, एक आम लड़की पोर्न अदाकारा कैसे बनती है? पहले दिन ही लड़की से इंटरव्यू में क्या करवाया जाता है? एक नई लड़की को किस तरह सेक्स की ट्रेनिंग दी जाती है? और एक पोर्न एक्ट्रेस से एक दिन में कितनी सेक्स वीडियोस शूट करवाई जाती हैं? इसके अलावा आज के इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि पोर्नोग्राफी का आगाज कब और किस वजह से हुआ, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकॉन को दबा दें। और आप हमारी ये वीडियो किस मुल्क या किस शहर से देख रहे हैं, अपने मुल्क या शहर का नाम कमेंट्स में जरूर टाइप कीजिए। दोस्तों, फहाज फिल्मों की मशहूर अदाकारा मियां खलीफा से तो आप वाकिफ ही होंगे, लेकिन इसका एक आम लड़की से फहाज अदाकारा बनने तक का सफर सुनकर आपको यकीनन होश उड़ जाएंगे। वियतनाम के शहर बारो में पैदा होने वाले मियां खलीफा 2001 में अमेरिका में मुंतकिल हो गई। अक्टूबर 2001 में उन्होंने पोर्नोग्राफी में काम करना शुरू किया। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक मियां खलीफा अब तक सबसे ज्यादा देखी जाने वाली अदाकारा बन चुकी हैं। कैरियर का ये इंतखाब उसे इस वक्त सबसे महंगा पड़ा जब इंडस्ट्री ने उसे हिजाब पहनकर फहाश फिल्में शूट करने पर राजी किया, और उनकी इस फहाश फिल्म की वजह से उन्हें मशरिक में शदीद तनकीद और मुखालफत का सामना भी करना पड़ा। इस तनकीद के 3 महीनों बाद मियां खलीफा ने पोर्न इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया। दोस्तों, इस खबर के बाद बीबीसी की जानिब से मियां खलीफा का एक इंटरव्यू भी लिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि कैरियर के शुरू में उन्हें मॉडलिंग ऑफर हुई थी। मैंने इस शख्स की बातों में आकर मॉडलिंग शुरू कर दी तो इसने मुझे ज्यादा पैसों का लालच देकर मॉडलिंग से फहाज फिल्मों में दाखिल कर दिया। दोस्तों, इस इंटरव्यू में मियां खलीफा बताती हैं कि जब भी ये लोग किसी को शर्मनाक काम में फंसाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे मॉडलिंग की ऑफर करते हैं और फिर आपको ऐसा ऐसा फहाश इंडस्ट्री में फेंक दिया जाता है। दोस्तों, मियां खलीफा बताती हैं कि जब उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया तो मुझे $12,000 दिए गए, जो उस वक्त मेरे लिए बहुत ज्यादा थे, लेकिन मुझे उस वक्त इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इन डॉलर्स के बदले मुझे क्या कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे अंदाजा होने लगा कि मैं बुरी तरह फंसती चली जा रही हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरी वीडियोस को लोग इतना पसंद करेंगे कि मैं दिनों में मशहूर हो जाऊंगी। फहाश इंडस्ट्री मेरी वीडियो से लाखों डॉलर कमा रही थी। वो बताते हैं कि एक वीडियो बनाने के लिए कई हफ्ते लग जाते हैं। दोस्तों, इंटरनेट ने ऑनलाइन मार्केटिंग प्रोसेस खोलकर पोर्नोग्राफी को बतौर प्रोडक्ट पेश किया और अवाम में इतना मकबूल हुआ कि सब रिकॉर्ड ही टूट गए, जिसकी सबसे बड़ी वजह फहाश इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा ट्रैफिक एशिया बिलखसूस पाकिस्तान और भारत से मिलती है। गूगल की रिपोर्ट के मुताबिक फहाश मवाद देखने वाली कंट्रीज की लिस्ट में पाकिस्तान दुनिया के 6वें नंबर पर और इंडिया 2रे नंबर पर आता है, जिससे पोर्न इंडस्ट्री करोड़ों डॉलर्स का मुनाफा कमाती है। ये पोर्न फिल्मों में काम करने वाली अदाकाराएं नहायत खूबसूरत होती हैं और इनकी फहाश वीडियो का रिजल्ट काफी दिलकश होता है और उनकी जिंसी ताकत भी बहुत ज्यादा होती है, जबकि देखने वाला इंसान जब वैसा करने की कोशिश करता है तो वो नाकाम हो जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि हर चीज की एक इंतहा होती है, लिहाजा 2 सदियों से पोर्नोग्राफी देखने वाली मगरबी अवाम उकता गई थी और 2014 में एक मुनफर टेक्नोलॉजी सामने लेकर आई। इस टेक्नोलॉजी को सिलिकॉन गर्ल्स कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी में सिलिकॉन देहात से लड़की का वजूद तराशा जाता है, इसे फिर इस कदर हकीकी बना दिया जाता है कि असल जिस्म और सिलिकॉन गर्ल्स में सिर्फ सांस का फर्क रह जाता है। इसकी खूबसूरती जिस्म की नरमी और बनावट का अंदाज ऐसा बनाया गया है कि आपकी आंखें धोखा खा सकती हैं। इन सिलिकॉन गर्ल्स को जिंसी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके मखसूस अज़ा में ऐसे केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे जिंसी सुकून कई गुना बढ़ जाता है। और इसी तरह औरतों के लिए सिलिकॉन बॉयज बनाए गए हैं। इन टॉयज को इस तरह बनाया गया है कि इनको कोई भी जाविया दिया जा सकता है, लेकिन इन टॉयज की वजह से मर्द और औरत के दरमियान जिंसी तालुकात और कशिश बहुत हद तक कमजोर हो चुकी है और शराय पैदाश में वाजिया कमी वाकई हुई है। आज अगर जहां मुसलमान भी इस फितने के शिकार हैं, लेकिन अपने मजहब और सकाफत को साथ लेकर चल रहे हैं, जबकि मगरबी माशा इस कदर टूट चुका है कि मसनूई तरीके से बच्चे पैदा करने पर मजबूर हैं। इंसान को रियल लाइफ से हटाकर हर चीज मसनूई देने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, ये थे पोर्नोग्राफी के मुतल्लिक वो तमाम हकायक जो आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के मुतल्लिक अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।